नमस्कार, मैं श्रियांगी मणि त्रिपाठी, कक्षा 8वीं 10 से आज भ्रष्टाचार मुक्त भारत के ऊपर अपने विचार रखना चाहूंगी। आइए सबसे पहले मैं आपको एक कहानी के जरिए यह बताती हूँ कि भ्रष्टाचार की शुरुआत होती कैसे है। पीहू आज सुबह से ही स्कूल नहीं जाना चाहती थी। आज उसके स्कूल में परीक्षा थी। उसने परीक्षा की कोई तैयारी नहीं की थी। उसको डर था कि परीक्षा में उसके नंबर कम आते तो उसके माता पिता और शिक्षक दोनों उसे बहुत डांटते। इसी डर से आज वह स्कूल ही नहीं जाना चाहती थी। माता पिता ने उसकी जिद मान ली और कहा कि कल जब स्कूल जाना तो मैडम को बोल देना कि तुम्हारी तबीयत खराब थी, इसलिए मैडम तुमको नहीं डांटेंगी। माता पिता की सहमति से बोला गया यह छोटा सा झूठ धीरे धीरे आदत, फिर नियत और आगे चल के भ्रष्टाचार की शुरुआत भी बन सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी बच्चे का पहला विद्यालय उसका घर ही होता है, चाहे वो अच्छाई का हो या बुराई का। एक समय हमारे भारत में भ्रष्टाचार की स्थिति इतनी भयावह थी कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने एक प्रचार के दौरान यह कहा था कि केंद्र सरकार अगर जनता तक एक रुपया पहुंचाना चाहे तो वह जनता के पास केवल 15 पैसे ही बनके पहुंचता है। लेकिन वर्तमान समय में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गर्व से यह कहते हैं कि केंद्र सरकार जो भी पैसा गरीबों और लाभार्थियों में पहुंचाना चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से सफलतापूर्वक उनके बैंक खाते में ही पहुंचता है। और भ्रष्टाचार की स्थिति में सुधार की वजह से हमारा भारत विकास की राह पर चल पड़ा है, लेकिन सफर अभी बहुत लंबा है और हमें उस सफर को तय करने के लिए अपने अंदर ईमानदारी और निर्भयता पूर्वक रिश्वत लेने और देने को ना कहना चाहिए। धन्यवाद।